ठीक है बच्चों, फिर एक बार आपको ये यक्ष प्रश्न भाग दो के लिए स्वागत करता हूं। हम ऑलरेडी आधा पाठ को सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। याद है ना पाठ आपको, हमारा जो पंच पांडव है और द्रौपदी के साथ वनवास जाते हैं और वहां एक ब्राह्मण की वेदा को सुनकर हारने के लिए वो हिरण को पकड़ने के लिए जंगल जाता है। वहां सरोवर में पानी पीने के लिए तैयार हुए तो यक्ष हमारे धर्मराज से प्रश्न पूछता है और धर्मराज सही सही उत्तर देता है और बाद में क्या हुआ है स्टोरी में हम बाकी पार्ट सुन लेंगे भाग दो के अंतर्गत। यक्ष तो मैं बोल चुका ना, यक्ष यमराज यक्ष के रूप में आकर धर्मराज की जो धर्म गुण को परीक्षा करने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है और बाकी पार्ट देख लीजिए टेक्स्ट बुक में, जरूर टेक्स्ट बुक रहना चाहिए। ठीक है भाई, पेज नंबर 40 पहला पैरा, उंगली रखिए, सेंटेंस के नीचे उंगली रखिए। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं, तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। ठीक है, वो चार भाई हमारा पांडव के पांचों में से चार भाई उधर मृत पड़े हैं, तो ये यक्ष ने धर्मराज से एक क्या बोलता है इंग्लिश में ट्विस्ट, एक इधर एक ट्विस्ट लगा देते हैं। क्या है कि आपके चार भाइयों में से किसी एक को मैं जीवित छोड़ूंगा, आपकी मर्जी, आप ही बोलिए, मैं चारों में से किसी एक को जीवित छोड़ूंगा। तो अगर युधिष्ठिर के स्थान पर तुम या मैं रहे तो क्या हो सोचेंगे, बलशाली भीम को चुनेंगे, नहीं तो अर्जुन को चुनेंगे। मगर युधिष्ठिर क्या करेगा सुनिए। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराओ, थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बलवान भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तो यक्ष आश्चर्य से पूछता है, युधिष्ठिर महाशय हजारों बलवान वाला ये भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों चुना है? तो युधिष्ठिर क्या समाधान देता है सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूं। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। ओ यक्ष महाशय कहे कि ये जो पांडराज के, आप जानते हैं पांडराज के पुत्र ये पांच पांडव है, मगर ये पांच पांडव में धर्मराज भीमसेन अर्जुन कुंती के पुत्र थे, आप ये भी जान लीजिए, बाकी नकुल सहदेव माता माद्री के संतान थे। इसका मतलब यह है कि पांडराज को दो पत्नी थी। ठीक है ना। तो युधिष्ठिर ने धर्म विचार करके आखिर यह निश्चय कर लेता है कि इन पांचों में कुंती के जो पुत्र मैं हूं बचा हूं, तो धर्म के अनुसार कौन ये माता माद्री का पुत्र नकुल जीवित रहे तो अच्छा रहेगा, ऐसा वो निर्णय लेने के कारण यक्ष को बोल देता है। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने वर देते हुए ये कहा, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। तो इस समाधान सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भला क्या है तुम पक्षपात रहित, पक्षपात बोले तो किसी अनालोचित किसी के अनुकूल प्रवृत्ति करना, इधर पक्षपात रहित से, तो तुम्हारे भाई भीम को नहीं चुना और तुम्हारे भाई अर्जुन को नहीं चुना, तुम नकुल को चुना है, तुम्हारे धर्मगुण से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए चलो आपके चारों भाई जीवित छोड़ूंगा। इस प्रकार चारों भाई जीवित उठते हैं और बहुत प्रसन्न से साथ यक्ष का
प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। ये जो वनवास के आखिर भाग में ये घटना घटी है, पूरे महाभारत के एक छोटी सी घटना यक्ष प्रश्न है। हमें इस पाठ देने का उद्देश्य क्या है कि हम भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना जरूर है। धर्म का पालन करने से कुछ कष्ट मिलेगा, धर्मान्ने पाटించినప్పుడు కొన్ని కష్టాలు ఎదురవుతుంటాయి, కానీ ధర్మాన్ని పాటిస్తే ఎప్పటికైనా శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాం। अब देखो ना, धर्मराज के बारे में अब भी हम चर्चा कर रहे हैं, या हरिचंद के बारे में अब भी हम चर्चा कर रहे हैं, गांधी जी के बारे में अब भी हम चर्चा कर रहे हैं। कारण क्या है? वो सच के धर्म के पीछे चले हैं। तो हम भी बच्चों इस नए टेक्नोलॉजी में या किसी को खुशी कर रखने के लिए एवनो हैप्पीगा उंचडं कोसमो देनिकोसमो लेदा मनं तोंदरगा डेवलप अवालनि पिच्चि आशतोटो हम धर्म पालन का विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, धर्मानि विरुद्ध मन वेलकूदू, इसलिए हमें ये पाठ दिया गया है। ठीक है बच्चों, बाद में इस पाठ के संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं हमारा टेक्स्ट बुक में, तो ठीक है फिर खोलिए और ध्यान से टेक्स्ट बुक देखिए, जरूर देखिए टेक्स्ट बुक। ठीक है बच्चों, तो टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 41 में अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया दिखाई दे रहा है ना, आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया अंतर दो प्रश्न दिए गए हैं, युधिष्ठिर के बारे में बताइए और युधिष्ठिर की जगह तुम होते तो किसे जीवित करवाना चाहते हैं और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। आप 9th क्लास के बच्चे हैं ना, लिख सकते हैं युधिष्ठिर के बारे में जहाँ तक हो सके 3 या 4 वाक्य लिखिए, और युधिष्ठिर के स्थान पर तुम रहे तो क्या करोगे, किसको जीवित रखने के लिए तुम चुनोगे, एवनी बतकुंटे बहुना कोरुकुंटो, इला युधिष्ठिर गुरिंचि प्लस युधिष्ठिर प्लेस लो नुव्वु उंटे एं चेस्तावो नुव्वु ओन्गा रायडं ट्राई चेयंडि। अगर कावालंटे मी टेक्स्ट बुक लो मी कोन्नि वाक्यालु हेल्प तीसुकोवच्चु मीरु। ओके, आ सही क्रम में लिखिए। नेक्स्ट, सही क्रम में लिखिए। इधर 4 वाक्य दिए हैं, हम पाठ को अच्छी तरह ध्यान से पढ़े तो पता चलता है कि ये 4 वाक्य उल्टा पुल्टा दिए हैं, बोल तो स्टोरी उल्टा पुल्टा दिए हैं। हम लोग सीधा करके यहाँ नंबर दीजिए, ऑलरेडी वो लोग 1 नंबर दिए हैं, बोल तो स्टोरी में पहली वाक्य ये आता है, बाकी वाक्य क्या आता है, बस इजी है, मगर एक बार पाठ को ध्यान से देखिए, पाठ ने चूस्ते ये आंसर ईजीगा रासेयचु, पेंसिल तो रायंडी तरवा करेक्ट चेसुकोवच्चु। इधर एक गद्यांश दिया है, किसके बारे में, कीचक के बारे में, ये भी महाभारत स्टोरी से संबंधित है। कीचक ये बड़ा क्या है कि ये विराट राज के राज में रहता है, वह नाम कीचक है, उसका जो काम भी नीच, बहुत नीच तरह काम करता है, तो उसके बारे में ये छोटा सा स्टोरी गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पढ़ ली है, वो मत्स्य देश का राजा है कीचक, वो गद्यांश 2-3 बार पढ़िए। और यहाँ 3 प्रश्न, रानी सुदेशना का भाई कौन था, विराट किस देश के राजा थे, देश की सेना का नायक कौन बना हुआ था, इन 3 प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर ये 3 प्रश्नों का जहां तक हो सके इस पैरा में रहेगा, इस अनुच्छेद में रहेगा, लिख लीजिए, हो सके तो पेंसिल से लिख लीजिए। और नेक्स्ट ई, इन प्रश्नों के उत्तर 3 वाक्य में दीजिए। इधर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, 3 वाक्य में दीजिए। मैं ऑलरेडी बोल चुका ना, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, हिंदी लिख सकते हैं आप लोग, जो भी लिखो जो भी सोचो पाठ को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों के आंसर्स क्या है हमें पाठ में जरूर मिलेगा। ओके, पहला प्रश्न, ब्राह्मण पांडवों के पास आकर कौन सी वेदा सुनाने लगा, वो ब्राह्मण ये वेदा अतने कष्ट नहीं चुप्कटा, युधिष्ठिर को सरोवर के पास कौन सी चेतावनी सुनाई दी है, चेतावनी वार्निंग, कौन सी चेतावनी वो सरोवर के पास कौन सी चेतावनी सुनाई देती है, युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने का अनुरोध क्यों किया, वो जीवित करने के लिए केवल नकुल को ही क्यों चुना है, यक्ष के युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुक्त होकर कौन सा वर दिया है, ये जो हमारा युधिष्ठिर के समाधान से संतुष्ट होकर आखिर में एक वर देता है, ఒక వరాన్ని ఇస్తాడు యక్షుడు, అదేంటి కదా, వీటి ఆన్సర్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆన్సర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లెసన్స్లో దొరుకుతాయి, లిఖ్ లీజియే, కోషిష్ కీజియే, 3 యా 4 వాక్యం లిఖ్నేకి కోషిష్ కీజియే, బాద్ మే పన్నా పలటియే, టర్న్ ద పేజ్,
अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत यहाँ अभी कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला तीन प्रश्न दिए हैं, मूल प्रश्न लिखे फर्स्ट पेज नंबर 42 42। ओके, धैर्य मनुष्य का साथ कैसा देता है, अच्छी संगति से क्या लाभ है, नकुल के लिए जीवनदान मांगकर युधिष्ठिर ने सही किया है या गलत, क्या है धैर्य मनुष्य का साथ, धैर्य मन के तोड़गा उंटी, और अच्छी संगति से क्या लाभ है, संगति अच्छी फ्रेंडशिप गुड फ्रेंडशिप से क्या लाभ है, और बाद में नकुल को जीवनदान करके युधिष्ठिर ने कैसे ठीक किया है नहीं गलत किया है, नकुल ने उंडालने कोरुकुन्नाडु कदा बतक उंडालने अदि करेक्टा रांगा। और कुछ तीन प्रश्न दिए हैं नीचे, यक्ष के लिए 5 प्रश्नों के उत्तर अपने दृष्टिकोण के आधार पर लिखिए। यक्ष हमारे पाठ में 10 प्रश्न पूछेगा, आप 10 में से 5 प्रश्न को चुन लीजिए, उन 5 प्रश्नों का अपने ढंग से समाधान लिखिए। ఆ 5 ప్రశ్నలకి ధర్మరాజు చెప్పినట్టు కాకుండా ధర్మరాజు చెప్పిన 10 ప్రశ్నల ఆన్సర్స్ మీకు రైట్ అనిపించవచ్చు, రాంగ్ అనిపించవచ్చు. సో మీకు ఏది రైట్ అనిపిస్తుందో ఆ 5 ప్రశ్నలు సెలెక్ట్ చేసుకొని రాయండి. ఎది ఎక్స్ కే స్థాన్ పర్ ఆప్ హోతే తో కౌన్ సే ప్రశ్న పూచ్తే హే, అగర్ ఆప్కే సామ్నే ధర్మరాజు హే ఆప్ ఎక్స్ హే తో ఆప్ ఎక్స్ రహే తో అర్ ఎక్స్ కే స్థాన్ పర్ రహే తో ఆప్ ధర్మరాజు కో కౌన్ సే ప్రశ్న పూచ్తే హే, ఆప్ నయీ జమానా హే నా, యే నయీ జమానా కో దృష్టి మే రఖకర్ ధర్మరాజు సే 5 प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, यक्ष प्रश्न पाठ आपको क्यों अच्छा लगा आपने शब्दों में लिखिए। ये पूरे पाठ सुने ना, आपको अच्छा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वो कारण क्या है वो 5 वाक्य में लिख लीजिए। कोशिश कीजिए ना, जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए, ट्राई चाहिए, तप ले कोई मिस्टेक्स पोवच्छ अभी तरह मन चेकु आप तो कोशिश कीजिए। बाद में भाषा की बात, यहाँ भाषा की बात अंतर्गत यहाँ 5 वाक्य प्रयोग दिए है। मालूम है ना वाक्य प्रयोग, एक शब्द देगा, वो शब्द का आप अर्ध हिंदी में सही रूप से हिंदी में अर्ध लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। मैं आपको हेल्प करूँगा, ओके, विषय हेल्प जैसा ही वाक्य प्रयोग लो। इधर 5 शब्द दिए ना, मैं 5 शब्दों के वो उनके मीनिंग अर्ध को मैं समझाऊंगा, बाकी वाक्य प्रयोग आप कर लीजिए, यानी मीनिंग नहीं जपता हूँ, वाक्य प्रयोग तो आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई साहब? 5 दिए हैं, देख लीजिए, टेक्स्ट बुक देख लीजिए, नहीं तो हो सके तो शाम्पर देख लीजिए। और मैं शाम्पर पर जो लिखा है एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नोट्स रास्कोवाली, मेरे को स्क्रीनशॉट दीसुकोंडी, फ्री उन्नप नोट्स रास्कोवच्चु, ओके, स्क्रीनशॉट राइट नाउ, टेक्स्ट बुक या शाम्पर देखिए। वाक्य प्रयोग तृषा, तृषा का मतलब है आकांक्षा कोरिका, तृषा अंटे आकांक्षा। अग्रसर, అగ్రగామి యా నేత, అగ్రసర్ అంటే అగ్రగామి లేదా పెద్దవాడు లేదా నేత. చేతావని, సావధాన్ హోనేకి సూచన, సావధాన్ ఏ జాగ్రత్త ఐసా హమ్ బోల్తే నా, సావధాన్ హోనేకి సూచన. దుస్సాహస్, కేహకి బలపూర్వక సాహస్ యా క్రూరత, బలపూర్వక సాహస్ కర్నా, ఓ ఉదర్ కర్నా అసంభవ హే, హమ్ కర్నే కే లియే తయార్ హే, అది అసంభవమే తెలిసినా కూడా మనం ట్రై చేస్తాం చూడండి, ఉస్కో దుస్సాహస్ కేతే హే, అడవి వెళ్ళదు పులి ఉందని చెప్పినా వెళ్తామనుకోండి ఓ దుస్సాహస్ హే. ఓకే, పక్షపాత, అనాలోచిత్ కిసికే అనుకూల్ ప్రవృత్తి, మే ఆల్రెడీ కఠిన శబ్దాత్ మే బోల్ చుకా హూ, పక్షపాత అంటే అనాలోచితంగా ఆలోచించడం, అనుకోకుండా చేసేయడం, ఏమి ఆలోచించకుండా ముందుకెళ్ళడం. ఓకే, మై ఆల్రెడీ మీనింగ్స్ బోల్ చుకా హూ, ఆప్లో క్యా కర్నా హే, ఇట్స్ మీనింగ్స్ సహారే ఆప్ వాక్య ప్రయోగ్ కీజియే, ఠీక్ హే, మై ఆధా హెల్ప్ క్యా హూ నా, సగం హెల్ప్ చేసా మీకు, मिगता वाक्य प्रयोग मेरे, ओके, आप 9th क्लास के बच्चे हैं ना, जरूर लिख लेगा, ठीक है? और बाकी देख लीजिए, भाषा के बात के अंतर्गत दूसरा आ, पर्यायवाची शब्द पहचान कर रेखा खींचिए, पर्यायवाची शब्द, ठीक है भाई साहब, पर्यायवाची शब्द, इधर ऑलरेडी वो एक आंसर दे चुका है, आंसर दे चुका है, पर्यायवाची माने सेम मीनिंग वाला, सही मीनिंग या सही मीनिंग नहीं, सेम मीनिंग वाला, तो इधर एक ऑलरेडी दे चुका है, धरती का सेम मीनिंग भूमि कहते हैं, धरा कहते हैं, पृथ्वी कहती है, उसी प्रकार पिता, तलाश, हवा को पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट रेखा खींचिए, जस्ट रेखा खींच लीजिए। और आखिर भाषा की बात के अंतर्गत आप चलेंगे संधि, संधि
संधि करना। इधर क्या करेंगे, संधि बोले तो पहले मैं संधि का जो परिचय दूंगा। संधि बोले तो दो व्यक्ति संधि करना, उसी प्रकार दो अनमेल या दो शब्दों को मेल से बना हुआ शब्द को या वर्ड को संधि कहते हैं। రెండు భిన్నమైన శబ్దాలు కానీ తీసుకొని మనం కలిపినప్పుడు దాన్ని సంధి శబ్దం అంటారు. ఉదాహరణకి లియే ఇద టేబుల్ మే కుచ్ శబ్ద దియే హే, టేబుల్ మే కుచ్ శబ్ద దియే హే, ఎస్ ఏ బ్లూ వాలా టేబుల్ మే, ఠీకేనా? అత్యంత పుస్తకాలై ప్రత్యుపకార్ యద్యపి సచరిత్ర ప్రత్యుత్తర్ దుస్సాహస సజ్జనత అత్యంత నిస్సందేహ ప్రత్యక్ష అత్యాచార్ ఔర్ నిస్సార్ ప్రత్యేక अत्युत्साह मरणासन्न प्रत्यंत दिनांक, इन सारे शब्दों में वो एक शब्द नहीं है, दो शब्दों के मिलाप से वो बना है, इसलिए उनको संधि शब्द कहते हैं। इधर दिए है आपको, क्लियरली दिया है, क्लियर गई चर्चा, क्लियर गई चर्चा टेक्स्ट बुक लो, मैंने वेरे डाउट अवसर ले। मरण प्लस आसन मरणासन, ठीक है भाई साहब? हो सके तो स्क्रीन शॉट लीजिए। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, धू प्लस साहस दुस्साहस, ऐसा इन दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। अब ये संधि बहुत संधि है, तेलुगु संधि कहते हैं, संस्कृत संधि रहते हैं और हिंदी में और कुछ नया संधि रहते हैं, तो उसके बारे में छोड़िए। अब इस टेक्स्ट बुक के अंतर्गत हमें कितने भाई तीन प्रकार के संधि दिए गए हैं, तो तीन प्रकार के संधि, स्वर संधि दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये स्वर संधि के अंतर्गत और पांच है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि, तो ठीक है भाई। दीर्घ संधि नाम में है, दीर्घ क्या है, दीर्घ 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 में वर्ण, मतलब तेलुगु में सवर्ण दीर्घ संधि रहते हैं ना, वैसा देख लीजिए। इधर एक कुछ एग्जांपल दिए हैं, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय दीर्घ है, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, ऐसा अगर हम डेप्थ पे गए तो एक डीप वेलानुकूटे सूत्र उठे वीट के, अकारांतन के आकार, आकार को आकार करने से आकार हो जाता है, इकार को इकार मिलाने से ईकार हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और गुण संधि, एक गुण संधि में भी एक सूत्र रहता है, आकार को इकार, क्या कि ये गुण संधि में भी कुछ शब्द दिए हैं, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, इधर अकारांत को इकारांत जोड़ने से एकारांत हो जाता है, अकारांत मतलब पदाल चिवर मन उच्चरण, महा प्लस ऋषि महर्षि, पर प्लस उपकार परोपकार, पर प्लस आ प्लस उ ओ बन जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ बाकी लेसन में देखे तो भी संधि शब्द ज्यादा आते हैं, इलांट चाल लेसन लो चूस्ते मन की ఇలాంటి సంధి శబ్దాలు చాలా దొరుకుతాయి, అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువసేపు గుర్తుంటుంది మనకి. నెక్స్ట్ వృద్ధి సంధి, ఏక్ ప్లస్ ఏక్ ఏకైక్, ఇది అకారాంత్కో ఏకారాంత్ జోడనేసే ఐకారాంత్ హో జాతా హే, ఆర్ అకారాంత్కో ఔకారాంత్ యా ఓకారాంత్ జోడనేసే ఔకారాంత్ హో జాతా హే, అంటే ఈ అకారాంత్ శబ్దాలకి మనకి ఏ గానీ ఐ గానీ అయినప్పుడు ఐ వస్తుంది, ఓ గానీ ఔ గానీ వచ్చినా ఔకారాంత్ ఔ అని వస్తుంది. ఇది డీప్ వెళ్తే సింపుల్గా నేర్చుకున్నా మనకి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ యన సంధి, ఇద్దరి బి अकारांत उकारांत ऐसा शब्द रहते हैं, उनको मिलाने से या वा राला ऐसा शब्द आ जाते हैं. और आयादि संधि, इनमें भी एक एक अक्षर को बाकी शब्द से जुड़ा जाता है, ओक अक्षराणि शब्दों तो కలుపుతుంటారు, ఎక్కువ శాతం అక్షరాలు వస్తుంటాయి. అక్షర మన సంధి అంటే ఏంటి, దో శబ్దం కు మేల్ సే బనా హువా శబ్ద కో సంధి కహతే హై. ఇదర్ జ్యాదాతర్ ఏక్ అక్షర్ కో శబ్దం సే మిలాయా జాతా హై. ఇదర్ నో కా నే కా మతలబ్ నహీ హై, मगर ये ने प्लस अन नयन हो जाता है वैसा. बाकी दूसरी व्यंजन संधि, पेर व्यंजन व्यंजन क्या है कि पेर मन की संधि सूत्र अर्थम, व्यंजन संधि तो इसमें क्या है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, व्यंजन अक्षर के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन अक्षरा की स्वरम का स्वर शब्द दस्वर आमहार की आ शब्द यानी का क्षत्रज्ञ आ शब्द कल చాలా సింపుల్, ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చేసారు, మనకి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. జగత్ ఏ వాక్ దిక్ సత్ వి షట్ ఎస్ పూరే ఏ వ్యంజన్ అక్షర్ హే, ఇన్కో క్యా మిలా హే, ఈ గ జ స ద ఐసా స్వరక్షర్ మిలా హే,
का व्यंजन अक्षर भी मिलाने से वो व्यंजन संधि बन जाता है। और लास्ट में विसर्ग संधि, विसर्गम अंटे तेलुसु कदा रेंडु चुक्कलु उंटाई ओके विसर्ग संधि अंटे इस विसर्ग संधि में कंपलसरी विसर्ग आता है, उस शब्द में विसर्ग आ जाएगा। इंदुलो कूडा कोंचेम डीप वेल्ते विसर्ग को शा मिलाने से चा हो जाता है, विसर्ग को शा मिलाने से का हो जाता है, विसर्ग को सा मिलाने से सा हो जाता है, ऐसा संधि सूत्र रहते हैं। मगर इधर विसर्ग के साथ जुड़ा हो जाता है, अंटे इक्कड़ विसर्गानिकि मनं अक्षरालनु कलिपिते वाटि रूपांतरं चेंदुतुंदि। फर् एग्जांपल नी प्लस चल निचल, नी प्लस कपट निष्कपट, नी प्लस संदेह निस्संदेह, नी प्लस भय निर्भय, नी प्लस रस नीरस, नी प्लस शुल्क निःशुल्क, मनः प्लस रंजन मनोरंजन। ठीक है बच्चों, ये संधि के सूत्र हैं। और संधि के बारे में बोलना है तो और दो तीन क्लास लेना पड़ता है, इनका डीप वेल अंटे इक्कड़ मूड क्लास तीसुकोवाल्सि उंटुंदी। पहले तो हम इस पार्ट के अंतर्गत जो संधि है बोल चुका हूँ, बाकी एग्जाम के वक्त बाकी संधि के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। पाठ को समझ में आ गया ना, पूरे पाठ को आप ध्यान से पढ़िए और अभ्यासों को मैं अभ्यास तो कुछ घर में लिख कर आने के लिए बोले ना, कोई अभ्यास रायमन चपे कदा, सो अदे होमवर्क, अदे गृह कार्य क्या है ना, ये गृह कार्य दिए ना मैं, ये अर्धग्राह्यता के अंतर्गत दिए हैं, ये अभ्यास और सृजनात्मकता अंतर्गत दिए हैं, आप लिख लीजिए और आपके अध्यापकों को दिखाइए या व्हाट्सअप कर लीजिए, तो यही आपका गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, आप घर पे रहना, कोरोना के सीजन है, घर पे रहना, सेव रहना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।